అధిక విలువ కలిగిన నోట్ల రద్దు వల్ల సాధారణ ప్రజలే ఎక్కువ ఇబ్బందులు పడుతున్నారంటూ విపక్షాలు సోమవారం దేశవ్యాప్తంగా హర్తాల్ నిర్వహించారు. హర్తాల్ ద్వారా ప్రజల కష్టాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లడమే తమ లక్ష్యమని కూడా పేర్కొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో వామపక్షాలు తీవ్రంగా ఆందోళన చేశాయి. ప్రధాన ఇలాకాలో ఏకంగా రైలు రోకో చేసి తమ బాణీని వినిపించాయి. దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల్లో వామపక్షాలతో పాటు ప్రజలు స్వతహాగా హర్తాల్లో పాల్గొన్నారు. ప్రధాని తుగ్లక్ పాలన చేస్తున్నారని ప్రజా సంఘాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశాయి. जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिस तरह से अच्छे दिन के वादे के साथ में यह मोदी सरकार आई और अच्छे दिन के वादे के साथ में लगातार जो जनता के साथ में धोखा किया जा रहा है, जनता को हर तरह से उन्हें बाधाएं और दिक्कतें पहुंचाई जा रही हैं, उसके खिलाफ में आज पूरे देश में जो भारत बंदी का आह्वान है, उसी आह्वान पर आज हम लोगों ने रेल जाम किया है। आपको मालूम होगा कि काले धन के नाम पर किस तरह से 500 और 1000 के नोट बंद किए गए और 2000 के नोट चालू किए गए। ये 2000 का नोट चालू करने से क्या काला धन बढ़ेगा कि कमेगा, यह साफ सवाल है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार का कोई भी जनता से कोई सरोकार नहीं है, धनपतियों से सरोकार है। इसलिए कोई भी धनपति का यह नोटबंदी से मरा नहीं है, मरा है आम जनता। 70 जनता देश के अंदर में लाइन में लगे लगे मर गए और कोई भी पूंजीपति लाइन में नहीं लगा। जनता तबाह है, धनपति मालामाल हो रहे हैं, उसके खिलाफ में यह रेल जाम है, पूरा भारत बंद है। और अब देश की जनता कोई भी जन विरोधी नीति को बर्दाश्त नहीं करेगी, हर कीमत पे लड़ाई लड़ेगी, पूरे देश में लड़ाई लड़ेगी। उसी आह्वान के लिए यह भारत बंद का आह्वान किया गया है। विश्वजीत कुमार, राष्ट्रीय महासचिव, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। सवाल है ये नोटबंदी और नोटबंदी का तरीका। कोई भी अदना सा आदमी देश का जो है वो कहेगा कि काला धन के खिलाफ हम हैं। वैसे ही सारे नेता देश के कह रहे हैं कि काला धन के खिलाफ हम हैं। अगर काला धन को बंद करने का जो तरीका नरेंद्र मोदी ने अपनाया है, जो तरीका गद्दाफी ने, मुसोलिनी ने अपनाया था, वो उस तरीके से ये नोटबंदी का अमली जामा पहनाया जा रहा है, जो गलत है। देश के आम आवाम को लगातार तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, वो गलत है। और इन नेताओं के बीच जिस तरह से विभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है नोटबंदी और नोटबंदी के तरीके को लेकर, नोटबंदी के तरीके से हर नेता आहत है, हर जमीन पर का आदमी आहत है। उसको आज जरूरत है उसके सरकार के मदद की, न कि मोदी जैसे हिटलर साहब तानाशाह की, अट्टहास की, जिस तरह से वो मन से अट्टहास कर रहे हैं। आज हम लोग मार्च कर रहे हैं, राजभवन मार्च, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इसके तानाशाही रवैये के खिलाफ आम आवाम को जगाने का काम कर रहे हैं, जो कल के बंदी में हमें सहयोग दे। प्रवीण सिंह कुशवाहा, उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी।